जी, तो लास्ट वीडियो में हम न्यू स्लाइड को डिस्कस कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टॉपिक जो है वो इन्वायरमेंट बेस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, करेक्टिव मेजर्स जो आप इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं, या जो भी आप मेजर्स लेना चाहते हैं या सजेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी को, किसी सोसाइटी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई कंटेंट्स बनाए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मेजर कॉजेज़ टू पोल्यूट आर इन्वायरमेंट, आप कह सकते हैं कि जी ट्रैफिक है, वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, गैस वेस्ट है, सॉक्स एंड नॉक्स 200 एंड फोर्थ फोर्थ, जो आप मर्जी कह लें उसको। फिर आपने अगर उसको सेक्शन और हेडर्स बनाए हुए हैं तो वो आप इधर से ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई कंपेरिजन करना चाह रहे हैं तो वो आप इधर से टू कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं, तो ये भी आप उस कंपेरिजन का भी हाल है। अगर आपने सर जस्ट टाइटल लेना है ऊपर और नीचे उसके फर्दर बुलेट्स बनाए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, अब इधर हम टाइटल लिख लेते हैं कोई भी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है जी। और इधर नीचे आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दें, फर्दर मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स भी बता दूंगा कि टेक्स्ट बॉक्स हम किस तरह यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया, ठीक है जी। इसमें हमने ऐड कर दीजिए बुलेट्स, बुलेट्स हम इधर से यूज़ करते थे, सॉरी, फॉर एग्जांपल मैंने ये बुलेट्स लगा दिए, ठीक है जी। अब देखें, अब मैंने जैसे आपको समझाने के लिए, ये फर्स्ट बुलेट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, तो आप इसको आगे इस तरह अगर आप क्लिक करते रहेंगे उतने आपके पॉइंट्स बनते रहेंगे, वो जिस तरह आप लिखेंगे तो वो आपको ई है, फिर आगे एफ है, इस तरह आप लिखते रहेंगे उसको आप आगे फर्दर बुलेट्स पॉइंट बना सकते हैं। अगर आप कोई जस्ट एक हेडिंग है और आगे उसको आप फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, क्योंकि जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होती हैं किसी भी पॉइंट के लिए या किसी भी टॉपिक के लिए, हिंट्स होते हैं मेरे पास। अब ये हम इस तरह जिस तरह डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वर्ड की फाइल होती है, या हमारे पास चैप्टर्स या बुक्स होती हैं वो नहीं होती, ये जस्ट हमारे पास एक हिंट्स होती हैं किसी भी टॉपिक की, जो मेन और मेजर मेजर पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इधर इन्वायरमेंटल साइंसेज है तो आपने इधर लिख दिया है जी, ये आपके कॉजेज हैं, कॉज में आपने लिख दिया है जी, ट्रैफिक या ऑटोमोबाइल लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब इसको आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑटोमोबाइल में किस तरह हम इसको कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में हमारे पास जो फ्यूल बर्न होता है उसके जो सॉक्स एंड नॉक्स हम एग्जॉस्ट करते हैं, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के कंटेमिनेशंस होती हैं, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, जो हमारे एनवायरनमेंट को क्रोनिकली डैमेज कर रही है, ठीक है। और वो समटाइम ये जो डैमेज है वो रिवर्सिबल नहीं होता, वो इरिवर्सिबल होता है, जो एक परमानेंट क्रोनिकल और एक्यूट डैमेज हो सकते हैं, हमारे से लंग्स डैमेज होते हैं, हमारे पास इसमें जो हमारी वोकल कॉर्ड है, जो हमारी स्किन है, फर्दर जो भी आप डिजीज़ में एक्सप्लेन करना चाहें वो के मीन्स उसे आप ये कह सकते हैं कि हमारे हेल्थ के ऊपर इसका मेजर इफेक्ट है। हमारे पास सॉइल्स आ सकती हैं, हमारे पास एक्वाटिक लाइफ है, हमारी सोसाइटी है, वो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। आप ये कह सकते हैं जो वेस्ट हम डंप करते हैं वो हम सही नहीं कर डंप नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको हम सी में भी डंप कर रहे हैं, उसको हम रिवर में भी डंप कर रहे हैं, उधर हमारी एक्वाटिक लाइफ हैवकली उसको इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि हम जो एक्वाटिक लाइफ है वो हमारा एक बिग सोर्स ऑफ फूड है, जो हमारी मेजर जो रिक्वायरमेंट्स और डिज़ायर्ड हैं फूड की वो जैसे फुलफ़िल हो रही हैं, तो अगर हम उसको कंटेमिनेट कर रहे हैं, उसको उसी को बाद हम दोबारा इनटेक कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली हम खुद ही को डैमेज कर रहे हैं। तो आगे इस तरह ये हो गया,
इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।